सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तुम्हारा भाई PokeVex आ चुका है वापस। तो यार, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार वगैरह वगैरह हो सकता है। बहुत ही ओपी टॉपिक है यार, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बहुत मज़ा आने वाला है यार। और ठीक है, टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। तो टॉपिक है टॉप 5 ब्लू कलर पोकेमॉन्स। ठीक है, ब्लू कलर पोकेमॉन्स यानी जितने भी रीजन्स हैं उनमें से टॉप 5 मेरे फेवरेट ब्लू कलर्स के पोकेमॉन मैं उठाने वाला हूँ। और इसकी ये 5 पोकेमॉन की लिस्ट है जो आज के पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और अगर तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई और पसंद आया ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और नीचे एक लिंक है चैनल का जिसने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया है। सो उसका नाम है PokeVex हिंदी, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई लोग, जो पोकेमॉन अभी नंबर 5 की पोजीशन पे आता है ब्लू वाला, वो है वेलॉर्ड। दोस्तों ये एक वेल पोकेमॉन है और तुम लोग इसको अच्छे से जानते ही होंगे यार, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोकेमॉन है। और ब्लू यानी वाटर तो होता ही है क्योंकि इसका टाइप है वाटर टाइप पोकेमॉन। और दोस्तों ये विकसित हुआ है वेलमर से, और वेलमर भी काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन है। और एक चीज़ बताऊँ वेलॉर्ड के बारे में, इसको इसका टोटल वजन है 398 kgs, यानी अराउंड 400 kgs। तो यार दोस्तों, इस ब्लू कलर के फेवरेट पोकेमॉन को जो मेरे लिस्ट में आता है, इसके वजन के हिसाब से और इसके कलर इस कलर के हिसाब से जो कि ब्लू मेरे को बहुत पसंद है, इसका मतलब वेरिएंट्स, तो इसे नंबर 5 की पोजीशन दी है। सो भाई लोग, अभी आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आता है डिवॉट। तो यार डिवॉट एक बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है, अगर तुम इसे ठीक से देखो तो यार, मतलब सेमरट और ओशोट से तो बहुत ही क्यूट है। और दोस्तों इसकी जो टाइपिंग है वो भी है वाटर टाइप, ठीक है। और इसकी जो वीकनेस है वो है इलेक्ट्रिक और ग्रास टाइप। और ये विकसित हुआ है ओशवॉट से, यानी ये ओशवॉट से बनता है डिवॉट, और डिवॉट से ये बनता है सेमरट, ठीक है गाइस। तो ये डिवॉट से समरॉट बनता है। और अभी तुम्हारे मन में सवाल होगा कि मैंने डायरेक्ट समरॉट को क्यों नहीं लिया इस लिस्ट में। तो यार देखो यार, मेरे को समरॉट भी पसंद है, बट उसका थोड़ा सा कलरिंग मेरे को नहीं पसंद, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चुक जाता है। सो इसलिए मैंने डिवॉट को लिया, क्योंकि डिवॉट का कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत पसंद है। और इसी वजह से मैंने डिवॉट को इस लिस्ट में नंबर 4 का स्पॉट दिया हुआ है। तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा है डिवॉट का 4 स्पॉट। सो दोस्तों, अभी जो पोकेमॉन नंबर 3 पे है वो बहुत ही ऑसम है, और वो है ब्लास्टोइस। दोस्तों यार, ब्लास्टोइस किसे नहीं पसंद एज अ ब्लू पोकेमॉन और एज अ वाटर पोकेमॉन। तो यार, क्योंकि ब्लास्टोइस का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है ना यार, बहुत ही ओपी है। और दोस्तों अगर ब्लास्टोइस की मैं टाइपिंग के बारे में बात करता हूँ, तो वो है वाटर टाइप पोकेमॉन। और दोस्तों यार, इसकी वीकनेस ऑब्वियसली होगी इलेक्ट्रिक और ग्रास टाइप। तो यार अगर इसकी फैमिली में जाते हैं तो यार, स्क्वर्टल से वाटर टाइप, वाटर से ब्लास्टोइस, और ब्लास्टोइस से मेगा ब्लास्टोइस। तो यार ब्लास्टोइस एक चलता फिरता तोप है ही, और मेगा इवॉल्व होने के बाद वो चलती फिरती मतलब पूरी सेना बन जाएगी। वो ऐसे वो पहले ही एक कैनन है, और फिर पहले ही एक तोप है चलती फिरती, और अभी वो पूरी चलती फिरती आर्मी बन जाती है, मतलब ऐसे समझ जाओ यार। तो ब्लास्टोइस इज अ ओपी पोकेमॉन यार, मतलब बहुत ही पसंद आता है मेरे को ब्लास्टोइस, जबकि जब मेगा इवोल्यूशन की बात आती है। सो यार, ब्लास्टोइस को इसी कारण से मैंने इसमें इस लिस्ट में रखा था नंबर 3 की स्पॉट पे। फर्स्ट रीज़न है कि उसकी कलर टाइपिंग बहुत ही बढ़िया है, सेकंड ये है कि वो एक ब्लू पोकेमॉन है, थर्ड वो एक वाटर टाइप है। तो इसी वजह से मतलब उस ब्लास्टोइस को मैंने नंबर 3 की स्पॉट पर रखा। तो तुम्हारा ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और दोस्तों अगर अब तक तुम वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो यार लाइक के साथ साथ बाजू वाले लाइक सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी बढ़ते आगे। सो भाई लोग, अभी जो पोकेमॉन नंबर 2 पोजीशन पर आता है वो है ग्रेनिंजा। तो यार, तो तुम्हें क्या लगा मैं ग्रेनिंजा को इस लिस्ट में नहीं रखूँगा? तो यार बिल्कुल रखूँगा यार, क्योंकि भाई फेवरेट पोकेमॉन जो है तो उसको तो लिस्ट में आना ही है, और हमारे टॉपिक पर बैठ रहा है तो क्यों ना लूँ। तो यार ग्रेनिंजा को इसलिए लिया, और ग्रेनिंजा की टाइपिंग बता देता हूँ, वाटर प्लस डार्क टाइप टाइपिंग है। हाँ, ये ड्यूअल टाइप पोकेमॉन है, और इसके जो वीकनेस है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि बग, इलेक्ट्रिक, फाइटिंग, ग्रास और फेरी टाइप। दोस्तों सो इसके साथ मतलब ये ड्यूअल टाइप है, इसलिए इसके जो
वीकनेस है वो बढ़ जाता है, और इसकी जो मतलब इवोल्यूशनरी लाइन है वो है फ्रोकी, फ्रोगेटियर और ग्रेनिंजा। सो मतलब ऐसे बैड क्वालिटी वाले फोटो के लिए माफ़ करना, क्योंकि यही अवेलेबल था सब जगह पे। सो गाइस इसी वजह से मैंने ग्रेनिंजा को नंबर टू का स्पॉट दिया। तो भाई लोग अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई तूने ग्रेनिंजा को सेकंड स्पॉट दिया है, तो भाई नंबर वन स्पॉट पे कौन सा पोकेमॉन होगा? तो भाई नंबर वन स्पॉट पे सबसे तगड़ा ब्लू कलर का पोकेमॉन है, तो उसके लिए तुम लोग को वीडियो आगे कंटिन्यू करना होगा, तो बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोकेमॉन है और मेरा सबसे सबसे फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक है। हिंट देता हूँ, लेजेंडरी पोकेमॉन है, सबसे लेजेंडरी में से फेवरेट में आता है। लेट्स सी। सो दोस्तों वक्त आ चुका है नंबर वन पोजिशन वाले पोकेमॉन को देखने का, और वो है लेजेंडरी पोकेमॉन प्राइमल कायोगर, ब्लू कलर का, एकदम ओपी सा है यार। तुम लोग इसको इसका डिज़ाइन ही देख के बता सकते हो यार, ये मतलब नॉर्मल कायोगर से भी बहुत ही अव्वल दर्जे का ऐसे कह सकते हैं हम लोग। सो मतलब इसके बारे में और मैं कुछ बोलने नहीं वाला यार, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमल कायोगर क्या चीज़ है यार, मतलब ये अकेला पोकेमॉन कितनी तबाही मचा सकता है। सो यार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यार नंबर वन स्पॉट पर प्राइमल कायोगर को रखा मैंने, ठीक है। होप सो गाइस तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबसे मेन चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को ये पूरा टॉप 5 का मतलब ऐसा वीडियो कैसा लगा, और अगर तुम्हारे पास कोई और ओपिनियन है इसी टॉप 5 ब्लू कलर पोकेमॉन के लिस्ट के लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मैं मतलब अगले वीडियो में बता सकूँ क्या क्या कमेंट्स आए थे, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब के बाद वाला बेल आइकन है उसको भी ऑल पे रखना, ताकि नोटिफिकेशन आए। तो चलो यार अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोग अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।